दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गूगल एडसेंस यूट्यूब पर कमाई करने के लिए वह एक आखिरी स्टेप है जिसके तहत हम वेरीफाई करते हैं और अपना अकाउंट जोड़ते हैं कि हम गूगल पर पैसे प्राप्त करने के लिए अब तैयार हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपको बता दूँ कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट। मैंने अपने चैनल पर 3 महीने में ही गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर दिया था और अभी मेरा चैनल मात्र 6 महीने पुराना है और मुझे गूगल एडसेंस पिन भेज दिया गया है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस पिन को कैसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया और इतनी जल्दी मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया। दोस्तों, सबसे पहले इस गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इसको, ये जो किनारे हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको किनारे पे से ओपन करते हैं। इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक ओपन करना होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई करने के लिए हमें किस प्रकार हमारे अकाउंट में ओपन करना और ओपन करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही आहिस्ता से इस गूगल एडसेंस के पिन को वेरीफाई करने के लिए ओपन कर रहा हूँ और ये आ गया मेरा गूगल एडसेंस का पिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्देश भी दिए हुए हैं किस पश्चात आप गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको होम स्क्रीन पर ले चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हम हमारे गूगल एडसेंस को वेरीफाई करेंगे। आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं मेरा अकाउंट ओपन करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं मेरा यूट्यूब का चैनल ओपन करूँगा, यहाँ पर यूट्यूब चैनल में अगर मैं कस्टमाइजेशन चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और मैं अपने YT स्टूडियो को ओपन करता हूं, तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्टेंट ऑप्शन करके, प्लीज सिंक इनटू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर एड्रेस यूजिंग द पिन कोड मेल टू योर बिलिंग एड्रेस। अर्थात आपके एड्रेस पर जो एक वेरीफाई पिन कोड भेजा है उसको आप वेरीफाई कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि गूगल एडसेंस पिन अब मेरा आ चुका है और इस मैसेज के अनुसार मैं उसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यह मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पेमेंट को समय के लिए रोके गए हैं क्योंकि आपके पते की समीक्षा नहीं हुई है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह पिन डालें जो हमने आपकी बिलिंग के पते पर भेजा है। दोस्तों, यह पिन गूगल एडसेंस पिन है। अब जैसे ही अभी हमने गूगल एडसेंस पिन को ओपन किया था और अब हम इसको यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, तो गूगल एडसेंस पिन को जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करते हैं तो नीचे लिखा है कि आप 2 बार और कोशिश कर सकते हैं, अगर आप 3 बार में सही पिन नहीं डाल पाए तो आपके विज्ञापन देखने बंद हो जाएंगे। तो हमने हमारे गूगल एडसेंस में जो पिन भेजा था उसको यहाँ पर सबमिट कर दिया है और इसके बाद जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद हमारे ऑप्शन आ जाएगा कि पते की पुष्टि करना संभव होगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र इतना सा ही स्टेप है, लेकिन इस स्टेप को प्राप्त करने के लिए, गूगल एडसेंस का पिन प्राप्त करने के लिए कभी कभी एक यूट्यूबर को सालों। जैसे ही मैंने अपना गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाई कर लिया है, अब मेरे गूगल एडसेंस के अकाउंट में एक और नया मैसेज आया है कि टैक्स की संबंधी जानकारी पुष्टि करने के लिए आपको कुछ और दस्तावेज देने होंगे। टैक्स रेजिडेंसी के लिए आपकी नई जानकारी स्वीकार होने तक हम डिफॉल्ट तौर पर लागू होने वाले नियमों के हिसाब से टैक्स काटेंगे। तो दोस्तों, टैक्स की जानकारी के बाद अब आपको क्या करना है, अगर भुगतान की कुल रकम $100 है तो हर महीने वह आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। अभी मेरे अकाउंट में मोनेटाइजेशन के बाद में कुछ समय हुआ है और मैंने अभी मात्र $11.30 ही कमाए हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना गूगल एडसेंस वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर भुगतान के लिए जो अकाउंट है वह जोड़ने का ऑप्शन दिखा दिए देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आपको भुगतान कैसे होता है, आपको यहाँ पर आपके भुगतान का तरीका जोड़ना है। अर्थात जैसे ही गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाता है, अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसा लेना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ पर जोड़ना होगा। तो जैसे ही हम भुगतान का तरीका जोड़ें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें लाभार्थी ID, बैंक खाते के लिए दिया गया नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड, स्विफ्ट VC, खाता नंबर और खाता नंबर फिर से टाइप करें, इत्यादि ऑप्शन हमें भरने होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास संभावित सभी चीज़ें उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ अगर आप स्विफ्ट BIC के ऑप्शन को देखेंगे तो कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि स्विफ्ट कोड क्या है। तो इसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में आपको देंगे किस प्रकार स्विफ्ट कोड प्राप्त करते हैं और इस ऑप्शन को फिलअप करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आगे भी बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि YouTube से जुड़े ही अपडेट समय समय पर आपको हम पहुंचाते सकें।